फैक्ट नंबर वन गाइस, क्या आपको पता है कि आप ही के पैसे आप ही के सामने चोरी हो रहे हैं और आपको इस बात की खबर तक नहीं है? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। और इस चोर का नाम है महंगाई। पर कैसे? दरअसल समय के साथ साथ सभी चीजों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और आपके पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपए हैं और महंगाई हर साल 8% से बढ़ जाती है, तो एक साल बाद उन 1000 रुपयों की वैल्यू केवल 920 रुपए ही बचेगी और 10 साल बाद कुल 450 रुपए। इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने पैसों को अभी से इन्वेस्ट करें ताकि आपके पैसे महंगाई दर की अपेक्षा ज्यादा तेजी से बढ़ पाएं और 10 सालों में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकें। सो गाइज, अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और महंगाई से बचना चाहते हैं, सो गाइज आज ही नीचे दिए गए लिंक पे। फैक्ट नंबर टू गाइज, क्या बॉलीवुड अब खत्म हो रहा है? शायद अब ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि साउथ इंडियन इंडस्ट्री ने बॉलीवुड को पीछे छोड़ते हुए बहुत ही तेजी से पूरे देश में पॉपुलैरिटी हासिल करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये हुआ कैसे? दरअसल इसके पीछे की शुरुआत खुद बॉलीवुड की अकड़ने की। सालों पहले बॉलीवुड ने साउथ इंडियन फिल्मों के कई एक्टर्स को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उन्हें एक्टिंग आती नहीं है और वो दिखने में भी इतने गुड लुकिंग नहीं है, और तो और बॉलीवुड ने उनकी फिल्मों को भी प्रोड्यूस करने लायक समझा ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छा वक्त भले ही देर से आए लेकिन आता जरूर है। बाद में इन्हीं बॉलीवुड के डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने उनकी मूवीज को कॉपी करना शुरू कर दिया और उनके रीमेक बनाए और प्रोड्यूस भी किया और अपने सामने ही साउथ इंडियन इंडस्ट्री को इंडियन सेंसेशन बनते देखा। बहरहाल साउथ इंडियन फिल्में जैसे कि RRR और KGF जिस तरीके से कोराम मचा रही हैं, लगता तो यही है कि बॉलीवुड इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। फैक्ट नंबर 3 इस बाइबल की कहानी है कि एक गांव में गोलियत नाम का एक विशाल काय राक्षस था और गांव में रहने वाला हर एक शख्स उससे डरता था। तभी एक दिन उस गांव में डेविड नाम का चरवाहा आया। ये सब देखकर उसने वहां के गांव वालों से पूछा कि भाई आप इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो, डरते क्यों हो? लोगों ने कहा कि वो इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता। तब डेविड ने कहा, आप सही कह रहे हैं कि वो राक्षस बहुत विशाल काय बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी यही ताकत उसकी कमजोरी भी है, क्योंकि विशाल शरीर के कारण उस पर निशाना लगाया जाना मुमकिन है, वो चूक नहीं सकता। और हुआ भी ऐसा ही, गांव वालों ने डेविड की मदद से राक्षस को मार गिराया। एंड दैट्स कॉल्ड सक्सेस थ्रू पॉजिटिविटी, जिसे नेपोलियन हिल्स ने अपनी किताब में सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव माइंड में भी बताया है, जिसकी ऑडियो बुक और बुक समरी आप कुकू FM पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुकू FM पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और 1000 से भी ज्यादा आर्ट्स की कंटेंट लाइब्रेरी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी और कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वहीं अगर आप इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो